मुरादाबाद में 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान होना है। मुरादाबाद हॉट सीट बनी हुई है। बीजेपी ने अपना प्रत्याशी सर्वेश सिंह को बनाया है। इंडिया गठबंधन ने रुचि वीरा को प्रत्याशी बनाया है। बीएसपी ने मैदान में इरफान सैफी को उतारा है। अपनी जीत का तीनों ही प्रत्याशी दावा कर रहे हैं। और मुरादाबाद की जनता के मन में क्या चल रहा है, इस बारे में जब मीडिया ने जनता से बात की तो उन्होंने बताया, इस बार हम विकास, शिक्षा, रोजगार के मुद्दे पर मतदान करेंगे। जनता का कहना है, जो भी नेता शिक्षा, विकास, रोजगार की बात करेगा, हम उसके साथ हैं। इसके साथ ही जनता ने क्या कहा है जी, और मैं इस समय 72 वर्षीय युवक हूँ, 72 वर्ष का हो गया हूँ और मेरे एक ही बेटा है। मैं जबकि बीएड करे हुए है और टेट पास है, उसको आज तक नौकरी नहीं मिली। तो बताइए, ऐसी सरकारों को क्या करना है, हमें किस क्या काम करेंगी ये सरकार नौजवानों के लिए, क्या कर रही है मुझे बताइए। रोजी जब रोटी नहीं दे पा रही हैं तो क्या होगा। मैं तो ये चाहता हूँ कि पार्टीबाजी कतई ख़त्म हो जानी चाहिए और स्वतंत्र रूप से हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का मौका दिया जाए। और ये जितनी जितनी फीस ताले ले रहे हैं चुनाव के लिए, वो सब फीसें भी ख़त्म कर दी जाए। वो भ्रष्टाचार तो इस कदर है कि जिसकी कुछ हद है ही नहीं। चाहे कोई भी सरकार आ रही है, हर व्यक्ति जो सरकार में चला गया, बस वो अरबपति, करोड़पति, खरबपति बन गया। वो कहाँ से वो पैसा आ रहा है इन लोगों के पास में, इसकी कभी जांच हुई मुझे बताइए आज तक, या हो रही है, या कौन करा रहा है इसकी जांच, किसके पास, जितने सरकार में चाहे विधायक है चाहे एमपी है, किस उनके पास पहले क्या था और आज कहाँ से वो पैसा आ गया, इसकी कहाँ तक जांच हो रही है मुझे बताइए जरा, इसका कौन देखने वाला है। 19 अप्रैल को मतदान होगा, किन मुद्दों को, क्या मुद्दे रहेंगे मुरादाबाद के, किन मुद्दों को भाई? मुरादाबाद के सबसे ज़्यादा मुद्दे तो ये भ्रष्टाचार ही हैं। भ्रष्टाचार में ही सब, जिस विभाग को देखो साला भ्रष्टाचार में लिप्त है वही विभाग। बीजेपी ने 405 का नारा दे दिया है। 405 तो नारा तो एक अलग बात है, 600 दे दो वो तो 600 कर दें, नारे की तो बात अलग है। हम तो किसी पार्टी से संबंधित है ही नहीं, कुछ पार्टी वार्टी से कोई मतलब लेना देना नहीं है। मगर कम से कम व्यक्ति को ये देखना चाहिए कि हाँ, ये सरकार आ रही है या ये व्यक्ति खड़ा है, ये व्यक्ति हमारा क्या काम करेगा क्या नहीं करेगा। हर वोटर को, मैं तो मेरी समझ तो ये है कि उसे ये देखना चाहिए। मेरा नाम सुनंद पाल है जी। कौन सा एरिया पड़ता है ये? प्रकाश नगर चौराया है। किन मुद्दों को लेकर के आप इस बार वोटिंग करने वाले हैं, क्या मुद्दे हैं? मुद्दे बेईमानी, भ्रष्टाचार के हैं। और इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो महंगाई है वो जनता की आवाज़ बन चुकी है जी। और इन्हीं मुद्दों पर जो है इलेक्शन होगा। 19 तारीख को वोटिंग होनी है, आपने किस तरह का मन बना रखा है, कैसी सरकार चाहते हैं? हमारे मन बनाने से कुछ नहीं होता है, ये तो पूरी जनता जो है जनार्दन है और वो जैसा मन बना चुकी है, सबको पता है कि आपका सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। क्या खास अगर बात की जाए मुरादाबाद की, तो मुरादाबाद में क्या खास मुद्दे हैं जिनका? मुरादाबाद में तो बीजेपी कभी आई ही नहीं है, बहुत स्थिति गंभीर रही है यहाँ पर, है नहीं? तो अब जो है सपा का और कांग्रेस का गठबंधन है, हो सकता है कि यही लोग निकल के आए। चाहेंगे क्या नाम है, किन मुद्दों को लेकर के आप वोटिंग करने वाले? मुद्दे क्या है? महंगाई है, भ्रष्टाचार है और महिलाओं का उत्पीड़न है, महिलाओं का ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, आए दिन बलात्कार हो रहे हैं। जो वर्तमान सरकार है, जिसे ये चुना था कि हमारी रक्षा करेगी, वो सरकार जो है आज हमारा ही उत्पीड़न कर रही है। उनके नेता हमारी लड़कियों के बलात्कार कर रहे हैं, लड़कियों में आग लगा रहे हैं, उसके बाद सरकार सुनने को तैयार नहीं है। अभी आपने बीच में देखा होगा, सारे देश ने देखा कि लड़कियाँ बैठी हुई थी, वो अपने उसकी खिलाड़ी लड़कियाँ जो दिल्ली में बैठी, उसके लिए किसी ने कुछ सुना ही नहीं। अपने MP को बचाने के लिए, मंत्री को बचाने के लिए मोदी जी के मुँह से एक शब्द नहीं निकला। अरे तुम तो हमारे संरक्षक हो, तुम्हें तो हमारे लिए आगे बढ़ के आना चाहिए था, बजाय इसके उन बच्चियों का साथ देते, अपने नेताओं को साथ दे रहे हैं। मुरादाबाद के क्या मुद्दे हैं? मुरादाबाद के बहुत मुद्दे हैं। अब जैसे मुरादाबाद की सड़कों का बुरा हाल है, इस समय इन्होंने 5 साल तक तो कुछ देखा नहीं। 5 साल में अब जब चुनाव आया तो पूरे मुरादाबाद में आपका निकलना धुवर है, कभी ये सड़क खोद दी, कभी वो सड़क खोद दी। आज ही हो रहे हैं, 5 साल नहीं थे जब आप वादा करके आए, आपने हमारे बच्चों को उल्लू बनाया, बोले 2 करोड़ नौकरी देंगे हर साल, ये नौकरी तो दूर गई। तुमने नोटबंदी करी, कंपनी बंद हो गई तो हमारे बच्चे हजारों घर वापिस आ गए, जो माँ बाप ने अपने लाखों रुपए दे के पढ़ाए थे, उन बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो गई।
बीजेपी ने 400 पार का नारा दे दिया है और गठबंधन के आमने सामने प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मानते हैं कि स्थिति होने वाली है? स्थिति भाजपा की बहुत बुरी दुर्गति होने वाली है, वो अभी अंदाजा नहीं है। वो अभी अपनी जो मीडिया जोनसी वाली भी चला रहे हैं या अखबार वाली चला रहे हैं, वो क्योंकि सरकार में अपने दबाव में काम करा रहे हैं और जो वो कहते हैं वही बोला जाता है, मगर ज़मीन पर हकीकत कुछ और है। हर आदमी नाराज है। अभी जब पिछले चुनाव हुए तो हम लोगों से जिक्र करते थे आपस में, तो अगर हम भाजपा के खिलाफ थोड़ा सा बोल जाते लोग हमें खा जाते थे, और आज कहीं से जिक्र करो तो आज एक बोल लिया तो 10 जने उनके खिलाफ बोल रहे हैं। किसका गढ़ कहलाता है ये यहाँ पर? जैसे ये भाजपा का गढ़ रहा है आज तक, लेकिन इस बार ये गढ़ का जो ख्वाब है इनका, ये बिल्कुल धराशायी होगा और टूटेगा। लैंड पार का जो समाज है वो हर तरीके से गठबंधन इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी के पक्ष में है। अभी जाना मत, किन मुद्दों को लेकर आप वोट करने वाले हैं? भैया राजा हमारा झूठ बोल जाता है, बेरोजगारी, युवाओं को क्या चाहिए, अपना काम धंधा, आज काम धंधे सारे चौपट हैं। एक नया समस्या होगी किसी बात की, राम मंदिर को ले आएंगे, बात करेंगे हमको बेरोजगारी की बात तो बोले मंदिर का मुद्दा है, अन्य किसी टॉपिक को बात करेंगे तो दूसरा टॉपिक आ जाएगा। तो जो जनता का सवाल है उस पर बात ही करने को तैयार नहीं, ये सबसे बड़ी समस्या है। बीजेपी है, गठबंधन और प्रत्याशी हैं काफ़ी, क्या मान के चल रहे हैं, किसका पल्ला भारी मान के चल रहे हैं, किस तरह से, किस मुद्दे को लेकर, मुरादाबाद का खास मुद्दा क्या रहेगा? देखिए भैया, जनता जनार्दन है, जनता ने ही इन्हें ताज पहनाया और जनता ही इनको जो है ताज हटा दी। की सरकार में मोदी जो है अच्छा काम कर रहा है, गुंडे जो हैं अपने जेल में हैं और कोई गुंडे ही नहीं हो रही है, लोग शांत हैं, कानून का राज है और ये सरकार आगे भी आएगी जी। नहीं, इस बार आप वोटिंग करने जा रहे हैं, क्या मुद्दे रहेंगे आपके, क्या चाहते हैं सरकार? नहीं, ज़्यादा डिटेल से तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे जो है सही है, सही लगता है बीजेपी वोटिंग किन मुद्दे, क्या कोई कमी मुरादाबाद के अंदर है सब चाहते हैं? ये कमी तो अगर भगवान जी भी आ गए ना यहाँ पर राज करने तब भी रहेंगी। राम ने राम जी को ले तो आए वो, हाँ राम जी ने राज करा, कि राम जी के राज में भी दिक्कत परेशानी तो रही।